नमस्कार, मैं हूं योगेश पांडे और आप देख रहे हैं आईबीएन भारत। दुर्दांत अपराधी विकास दुबे के बुरे से बुरे हश्र की चाहत तो सभी को थी, पर विकास की गिरफ्तारी के बाद इंतजार इस बात का था कि जो लोग इसे पालते थे उन सफेदपोश के चेहरे बेनकाब हो सकेंगे। हालांकि कल से ही इस स्क्रिप्ट पर चर्चा होने लगी थी कि यूपी में घुसते ही विकास दुबे हथियार छीनने की कोशिश करेगा, फिर भागते हुए उसे मार गिराया जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दुर्दांत अपराधी विकास दुबे को लेकर एसटीएफ की टीम कानपुर पहुंचने वाली ही थी कि कानपुर से पहले भौती के पास पुलिस की गाड़ी पलट जाती है और खूंखार अपराधी विकास पुलिस टीम के असलहे लेकर भागने लगता है, जिसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस ने फायरिंग की और विकास मारा गया। हालांकि इस दौरान कुछ पुलिस के जवान भी घायल हुए हैं, लेकिन कई बड़े सवाल हैं जिनके जवाब विकास की मौत के साथ ही दफन हो गए। आखिर विकास को पनाह देने वाले सफेदपोश कौन थे? क्या अब इन पर शिकंजा कसा जाएगा? क्या विकास की जुबान हमेशा के लिए बंद करके उन खाकीधारियों और खादीधारियों को नहीं बचा लिया गया जिन्होंने इसके पनपने में मदद की थी? और इस मुठभेड़ के जरिए तमाम सवालों को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया है। जो जिम्मेदार अफसरों, तंत्र व सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन सकते थे, और इन्हीं सब सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ इस समय ज्यादा बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता शैलेंद्र तिवारी जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। जी जी शैलेंद्र जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से पूरी घटना सामने आई है कि विकास गाड़ी में बैठा था, वह गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और विकास पुलिस की पिस्टल छीनकर भागता है, उसके बाद वह मारा जाता है, किस नजरिए से आप देखते हैं इसको? कानून नाम की कोई चीज अगर होती है तो उसको कानून के दायरे में करना चाहिए था। जब उस आदमी ने सरेंडर किया या आपने पकड़ा तो उसको आप लेकर के आ रहे हैं, आपने उसका एनकाउंटर कर दिया जी। टोल पर गाड़ी दूसरी है, वहां पलटी गाड़ी दूसरी है, वो आदमी चलने में जो है दिक्कत कर रहा है जी। और वो आदमी गाड़ी गिरते ही वो भागने लगता है जी। और उसके बाद वो पिस्टल भी छीनता है। मतलब ये सारी जो नाटकीय अंदाज है जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नए जो है देश में, नए प्रदेश में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ कानून से चलने की बात नहीं चल रही है, यहाँ जिद पे चलने की बात चल रही है। मुझे लगता है कि जिद किसी भी चीज की जो है वो बुरी है, पर ऐसी कानून व्यवस्था को हम यही मानते हैं कि ये तमाम सारी चीजें हैं, ये हमारे कानून को, हमारे संविधान को चुनौती दी। चैलेंज जी, क्या लगता है कि तमाम सारे जिस तरह से आरोप भी लगे थे, पुलिस वालों पे भी सवाल उठे थे, तो क्या लगता है कि कहीं खाकीदारी और जो खद्दरधारी है दोनों को बचाने के लिए कोई कवायद तो नहीं की गई है? देखिए, खादी के बिना जो है ये यहाँ तक पहुंचा ही नहीं जी जी। और मुझे लगता है कि ये समय वास्तव में खादी को साफ करने का था जी जी, ताकि अगर वो व्यक्ति रहता, तमाम सारी चीजें, तमाम सूत्र खोलता, कौन इसको पाल पोस रहा था, किसकी शरण में, किसकी जो है रहनुमाई में ये आदमी इतना बड़ा जो है जराइम की दुनिया में नाम कमा रहा था, पैसा कमा रहा था, कैसे कर रहा था, ये सारी चीजें सामने आती। मुझे लगता है कि ये एक कहीं ना कहीं षड्यंत्र है तमाम चीजों का, जिससे छुपाने का एक जो है ये चाल चली गई है जी, जो जी, जी। बहुत घातक और बहुत ही खतरनाक है हमारी नई पीढ़ी, हमारी नई जनरेशन के लिए जी, जी। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को जहां पर भी जिस तरह से जो लोग जो है देखते हैं, कहीं ना कहीं ये तमाम सारी चीजें जो है वो उसमें अव्यवस्था में शामिल करती हैं। और मुझे लगता है कि इसके पीछे खाकी हो, खादी हो, सरकार हो, सत्ता हो। क्या लगता है आपको कि उन सारे लोगों के नाम आने चाहिए, क्योंकि इसके जिस तरह से सभी दलों में कनेक्शन बताए जा रहे हैं, वो चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो और चाहे भाजपा हो, सभी को लेकर के बताए जा रहे हैं, तो क्या इसमें लगता है कि उन लोगों के नाम आने चाहिए सामने? जो भी नेता है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, सपा का हो जी, जो इस तरीके की मानसिकता रखता है वो नेता नहीं, वो अपराधी होगा जी, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अपराध को कहीं से भी पालना किसी भी एंगल से अपराध ही होता है,
चाहे वो उच्च खादी में हो, सफेद बोस हो, चाहे जो हो, जो यहाँ से लेकर के और वहाँ हरियाणा दिल्ली और जगह से होते हुए सफेद पोष उसकी रक्षा कर रहे थे जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग, और जो वो आप मध्य प्रदेश में एक सफेद पोष भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके संपर्क में थे, तमाम सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलती है। और आपको बता दें महाकाल का फोटो आना चैनल पर चलना, ये इस सरकार का जीता जागता फेलियर स्मारक है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपको आईबीएन भारत के साथ जुड़ने के लिए। विकास दुबे के साथ उन सभी सबूतों एवं साक्ष्यों का भी इनकाउंटर हो गया जिससे अपराधियों, पुलिस और सत्ता में बैठे उनके संरक्षकों का पर्दाफाश होता, जो नेक्सस में उसके मददगार रहे हैं। आखिर उन सत्ताधीशों पर कार्रवाई का क्या? कुछ लोगों का नाम तो उसने स्वयं लिया था जिनके जवाब खोजे जाने चाहिए। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं बीजेपी से केसी जैन जी। जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद जी। जिस तरह से आपको बताएं कि ये जो इनकाउंटर हुआ है विकास दुबे का, राजनीतिक पार्टियां, अब राजनीतिक रोटियां सेकने लगी हैं इस पर, विपक्ष सवाल उठा रहा है पूरे इनकाउंटर मामले पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी तक यही सारी पार्टियां ये कह रही थी कि किस प्रकार से गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी नाटकीय ढंग से हुई है, लोगों की मिलीभगत हुई है, इसलिए गिरफ्तारी कराई गई है, इसको बचाने के लिए गिरफ्तारी हुई है। और अब वही पार्टियां ये सवाल उठा रही हैं, कांग्रेस हो या और पार्टियां हो, कि इनकाउंटर कैसे हो गया, उसको तो ले जा रहे थे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई अपराधी जिसने 8-8 लोगों की हत्या की हो और उसके बाद में वो कोई तुरंत सज्जन व्यक्ति तो नहीं बन जाएगा। उसके बाद में जब उसको पुलिस लेकर के आ रही थी उत्तर प्रदेश में, गाड़ी रास्ते में पलट जाती है, एक हादसा हो जाता है और उस हादसे का लाभ उठा करके वो भागने का प्रयास करता है। जैन साहब, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि ये, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, आप भी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर, कि ये कल से ही ऐसी स्क्रिप्ट चल रही थी, तमाम सारे लोग ये दावा कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो, खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाएगा कि पुलिस की गाड़ी खराब हो जाएगी और उसके बाद वो भागने की कोशिश करेगा, उसके बाद पता चलेगा कि विकास दुबे को मार दिया गया, तो कहीं ऐसा नहीं लगता है कि आपको कि प्रीप्लान्ड एक स्क्रिप्ट टाइप में थी? देखिए, जो लोग उसको बचाना चाहते थे, जिन लोगों की संवेदनाएं ऐसे व्यक्ति के साथ में है, ऐसे दुर्दांत अपराधी के साथ में है, वो इस तरीके की आशंकाएं व्यक्त कर सकते हैं कि ये प्लान है या जो शंका व्यक्त की जा रही थी वही हो गया। तो शंकाएं तो बहुत सी व्यक्त की जा सकती है, लेकिन जिस प्रकार से वो, जिस तरीके से उसने के ऊपर 7 से ज्यादा मुकदमे थे और अभी जिस प्रकार से उसने 8 लोगों की निर्मम हत्या की, दो पुलिस वालों के ऊपर जिस प्रकार से उसने हमला किया, उसके बाद में उसको, उसने जो सरेंडर किया उसका सरेंडर भी पुलिस ने स्वीकार किया, उसको पुलिस लेकर के आ रही थी, एक हादसा हो गया, हादसे में गाड़ी पलटती है और वो वहां से भागने का प्रयास करता है, हायर करता है पुलिस से, तो पुलिस जवाबी कार्रवाई करेगी। सवाल तो विपक्ष यहीं पर उठा रहा है ना कि 60 से ज्यादा मुकदमे थे तो आखिर 3 साल तक कैसे वो आजाद घूमता रहा, सवाल तो यहीं विपक्ष उठा रहा है। नहीं देखिए, विपक्ष तो हर तरीके से सवाल उठा रहा है, विपक्ष जब उसको पकड़ा गया तो विपक्ष कह रहा है कि इसको पकड़ा क्यों गया, इसको तो मार देना चाहिए, सरेंडर इसने कैसे कर दिया और इसका उत्तर प्रदेश से यहाँ तक ये कैसे आ गया, और उसके बाद में जब एक हादसा होता है और एक तरीके से उसका इनकाउंटर होता है जवाबी कार्रवाई में, तब विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि आपने उसको मार क्यों दिया। तो ऐसे जुर्दात अपराधी के प्रति संवेदना ना होकर के संवेदना उन परिवारों के साथ होनी चाहिए जिन परिवारों को इसने नष्ट किया, जिन माँ बेटियों की इसने मांग जारी, इन बच्चों को यकीन किया और अभी आज पुलिस को जिसने निर्मम हत्या की, के प्रति संवेदना होनी चाहिए, ना कि ऐसे दुर्दांत अपराधी के प्रति संवेदना। बिल्कुल जैन साहब, संवेदना उन्हीं लोगों के साथ है, उन शहीद जवानों के परिवारों के साथ है लोगों की। विकास दुबे के एनकाउंटर का गम किसी को नहीं है, बशर्ते लोग अब सवाल उठा रहे हैं। और ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि जिसकी सत्ता उसका विकास दुबे, क्योंकि उसके रिश्ते सभी राजनीतिक पार्टियों से रहे हैं और यह अब किसी से छुपा नहीं रहा है। पिछले 3 सालों तक आपकी भी सरकार है, तो अब तक वो आजाद कैसे घूमता रहा? और 2017 में एसटीएफ के सामने जिन नेताओं का उसने नाम लिया था उन पर कार्यवाही क्यों नहीं होनी चाहिए, आप बताइए। देखिए, विकास दुबे पे लगातार कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में, योगी जी की सरकार में लगातार उसके ऊपर कार्रवाई हुई, इसी कार्रवाई के दहशत में, उसी के डर से उसको ये लगा कि अब वो किसी प्रकार से बच नहीं सकता है, उसी का ये परिणाम था कि उसने यहाँ तक तैयारी कर रखी कि अगर हमको हमारी अरेस्टिंग होती है या पुलिस वाले आते हैं तो इस तरीके की घटना को हम अंजाम देंगे। और उस घटना के बाद ये निश्चय हो गया था
ये ऐसा दुर्दांत अपराधी बचना नहीं चाहिए समाज के लिए और पूरे के पूरे समाज के लिए ऐसा व्यक्ति बहुत ही घातक है। ऐसे व्यक्ति को जीवित रहने का क्या मतलब है? अगर इनकाउंटर में मारा गया तो इसका श्रेय पुलिस वालों को मिलना चाहिए, एसटीएफ को मिलना चाहिए। लेकिन साहब यूपी पुलिस बॉर्डर सील कर रखी थी और वो उज्जैन तक चला गया, पुलिस ने नहीं पकड़ा उसको, एक गार्ड ने पकड़ा, वहाँ मंदिर के एक सुरक्षाकर्मी ने उसको पकड़ा, तो हालांकि ये पुलिस कर्मियों की पीठ थपथपानी जायज लगती है आपको? देखिए कोई भी अपराधी हो, अपराध करने के बाद में छुपने का बचने का प्रयास करता है, उसके जितने भी साथी थे वो जो उसके खास खास साथी थे वो भी कहीं ना कहीं पुलिस इनकाउंटर में जवाब हमने करते समय वो सब भी जो है वो भी सब मारे, और ये चूंकि बचा हुआ था, ये भाग रहा था, किस हिसाब से बात कर भाग रहा था क्या था वो तो अलग की बात है, लेकिन आखिर में उसका अंजाम वही हुआ जो होना चाहिए था। क्योंकि सरकार में कोई भी अपराध नहीं सकता है तो उसकी जगह जेल है, उसकी जगह ऊपर है, तो उन्हीं दोनों में से उसको एक चुनना पड़ेगा। जवाबी कार्रवाई की, इसने पुलिस के ऊपर हमला किया, पहले 8 लोगों को इसने मारा ही मारा था, उसके बाद में इसने बचने का प्रयास किया, ऐसे में उसके साथ जो घटना हुई, जिस प्रकार का उसका एनकाउंटर हुआ वो बिल्कुल जायज है और सही है, वही होना भी चाहिए। केसी जैन जी बिल्कुल, जो ये अपराधी था इसके जो अंजाम हुआ, हालांकि इससे भी बुरी इसकी मौत होनी चाहिए हम तो ये कहेंगे, लेकिन जिस तरह से वो मारा गया, कई सवाल अपने साथ ले गया, वो चीज़ कहेंगे। और आपको बता दें कि अब एक्टिविस्ट डॉक्टर नूतन ठाकुर ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से विकास दुबे मामले में पुलिस द्वारा की गई तमाम गैर कानूनी कार्यवाही की जाँच की मांग की है, क्या कहना है आपका इस पर? देखिए बिल्कुल जाँच होनी चाहिए, जाँच से कोई परहेज नहीं है, और मानवाधिकार आयोग में नूतन ठाकुर जी ने डाला है, मैं भी पेशे से अधिवक्ता भी हूँ, तो उसमें सारी चीजें पुलिस रखेगी, पुलिस अपने साथ रखेगी वहाँ पे, जो भी सवाल मानवाधिकार आयोग करेगा, जो भी नोटिस पुलिस को या एसटीएफ को या सरकार को मानवाधिकार जारी करता है उसका जवाब विधिवत रूप से, विधिक रूप से जो आगे की कार्रवाई है, जो अब तक कार्रवाई हुई वो विधिक रूप से हुई और कानून के अंतर्गत रह करके, कानून के अंदर रह करके कार्रवाई हुई, आगे की जो कार्रवाई होगी कानून के अंदर रह करके। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका केसी जैन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे साथ इस समय नूतन ठाकुर जी खुद जुड़ चुकी हैं। नूतन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आईबीएन भारत में। जी नूतन जी, आपने विकास दुबे मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की है, तो दर्शकों को जरा बताइए कि आपने क्या मांग की है इसके जरिए? देखिए मैंने इस प्रकरण की जाँच की मांग की है, क्योंकि जो ये इनकाउंटर हुआ है और इससे पहले भी इस घटनाक्रम में जिस तरीके से चीजें घटी वो अपने आप से पुलिस की कई सारी कार्रवाई से सवाल खड़े करती है, और उन सारे प्रकरण को लेके मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत भेजी है और ये मांग की है कि पूरे प्रकरण की सही तरीके से जांच की जाए, और खासकर के जो इनकाउंटर की बात कही जा रहा है, कही जा रही है, उसको भी देखा जाए कि ये सही इनकाउंटर था या फिर फेक इनकाउंटर। जी तो क्या लगता है आपको कि जिस तरह से विकास दुबे का घर गिराया गया और जो इस तरह से आज उसका इनकाउंटर कर दिया गया, तो आपको क्या इसमें क्या संदेह नजर आ रहा है? देखिए जो चीजें हुई, जैसे जो जब घर गिराया गया तो जिस समय घर गिराया गया उस पे भी जो किसी कोर्ट नोटिस या वैसी बात नहीं आ रही थी, वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं बढ़ के एक्शन था, कानून सम्मत नहीं दिखता है जो एक्शन था उस समय। उसके बाद तमाम चीजें मीडिया के जरिए सामने आ रही हैं, फिर जिस तरीके से उसके नाबालिग बच्चे की तस्वीर आई सामने, पुलिस जी सही कह रही है, हालांकि उसके बाद कानपुर पुलिस ने ट्वीट भी किया था कि केवल पूछताछ के लिए बुलाई गई है फैमिली को और बच्चा जो है अपनी माता के साथ सुरक्षित है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरह से इनकाउंटर आज हुआ, सस्पेंस लोगों के तमाम सारी सोशल मीडिया पे सवाल उठ रहे हैं, लोग उस पर पूछ रहे हैं, तो क्या खाकीधारी और खादीधारी को बचाने के लिए ये कहीं ना कहीं प्रायोजित इनकाउंटर था? जो क्योंकि जिस तरीके से यह पूरी खबर आई अरेस्ट हुआ, इसमें कोई शक नहीं है कि विकास दुबे ने जो काम किया वो अपने आप में काफी घृणित भी था और उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन उसके बाद कई सारे एक्टर हुए वो भी दिखता है जो मीडिया के जरिए और चीजें सामने आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं अपने जो दायरा कानून का दायरा है उससे थोड़ा ऊपर बढ़ के दिखती है कार्रवाई, क्योंकि जो बातें कही गई है जिस तरीके से चीजें सामने आई, प्रेशर भी था विकास दुबे को पकड़ने का और जितनी मीडिया के जरिए भी चीजें निकल के आ रही थी उससे ये दिखता था कि कहीं ना कहीं विकास दुबे
के ऊपर जिस तरीके से भारत था ईरान की राशि बनाई जा रही थी, जिस तरीके से उसका सरेंडर हुआ और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ वो ऐतिहासिक नहीं लगता है। और जब इस पूरे प्रकरण को देखिए, उससे पहले भी विकास दुबे के कुछ साथियों का पुलिस ने अभी जब एनकाउंटर किया है तो वहां भी लगभग यही बात कही गई कि वो भाग रहा था, हथियार छीन लिया और उसके बाद गोली चलानी पड़ी एनकाउंटर हुआ पकड़ने के लिए। जी चलिए, बहुत 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 शुक्रिया आपका आई बैन भारत के साथ जुड़ने के लिए। तो दरअसल आपको बता दें कि नूतन ठाकुर ने अपनी शिकायत में कहा है कि विकास दुबे का कृत्य अत्यंत जघन्य था, लेकिन जिस प्रकार से पुलिस ने इसके बाद गैर कानूनी कार्य किए हैं वो भी अत्यंत निंदनीय है। नूतन ने कहा कि आरोप है कि विकास के मामा प्रेम प्रकाश पांडे व अतुल दुबे के गांव में मारा गया, जबकि वे कथित रूप से घटना में शरीक नहीं होने के कारण गांव में मौजूद थे। इसी प्रकार उसके सहयोगी प्रभात मिश्रा तथा प्रवीण दुबे एवं अब स्वयं विकास को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मारा जाना किसी को स्वीकार नहीं हो रहा। पुलिस की कहानी में कई जाहिरा खामियां हैं, ऐसे ही जैसे विकास का घर बिना आदेश के गिराया गया वह अवैधानिक व अनुचित था। नूतन ने इन सभी आरोपों की जांच की मांग की है। और आइए अब सुनाते हैं आपको कि मामले पर एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनिए। 192/20 धारा 147, 148, 149, 302, 307, 394, 120B तथा 7CLA एक्ट जो 8 पुलिस कर्मियों के शहीद होने से संबंधित है, मैं वांछित मुख्य अभियुक्त विकास दुबे जिसकी हिस्ट्री शीट संख्या 139A है को उज्जैन मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश पुलिस व एसटीएफ द्वारा आज दिनांक 10/7/20 को कानपुर नगर लाया जा रहा था। कानपुर नगर भौती के पास प्रातः लगभग 6:30 बजे पुलिस का उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया, जिससे उसमें बैठे अभियुक्त व पुलिस जन घायल हो गए। इस दौरान अभियुक्त विकास दुबे उपरोक्त ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम द्वारा पीछा कर उसे घेर कर आत्मसमर्पण करने हेतु कहा गया, किंतु वह नहीं माना और पुलिस टीम पर जान मारने की नियत से फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें वो घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान अभियुक्त विकास दुबे की मृत्यु हो गई। उस घटना में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इसके अतिरिक्त एसटीएफ के 2 कर्मी घायल हैं। उक्त अभियोग में कुल 21 अभियुक्त नामजद थे तथा 60-70 अन्य अभियुक्त थे, उनमें से 3 को गिरफ्तार किया जा चुका है, 6 अभियुक्त मारे जा चुके हैं तथा 120B के अंतर्गत 7 लोग जेल भेजे जा चुके हैं। अभी इस केस में जो वांछित अभियुक्त हैं उनकी संख्या 12 है, जिन पे विभिन्न स्तर का इनाम घोषित है।